हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज होगा इंट्रोडक्शन मेरा, मैं खुद अपना इंटरव्यू लूंगी। सो गाइज, सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं गई थी मार्केट, दया मैम के साथ रूम वगैरह ढूंढने के लिए। रूम वगैरह तो क्या बताऊँ, ये कभी बता दूंगी मैं। आज हल्द्वानी में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बारिश का मौसम, एंड मेरे बाल रखे हैं पूरे गीले, सूखे भी नहीं अभी तक, इतना टाइम हो गया है। अब मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले अपने बारे में। मेरा नाम तो आप लोग जानते हो, तो मैं अपनी मम्मी का नाम बताना चाहूँगी। मेरी मम्मी का नाम है तारा देवी, मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है। मेरे फादर पुलिस में, एक मेरी बड़ी दी है, एक मेरा छोटा भाई है। दीदी ने बी एड किया है, भैया बी एस सी कर रहा है अभी फर्स्ट ईयर। मैं बताना चाहूँगी अब अपने बारे में, मतलब अपने एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगी। तो मैंने 10th पास आउट GIC नाचनी से किया था, मैंने अपने गांव के छोटे से स्कूल से किया था। पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी वहाँ, बट टीचरों की कमी थी, मतलब साइंस वाइंस में, और वहाँ कॉमर्स नहीं था। मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में था, बट वहाँ कॉमर्स के टीचर नहीं थे। उसके बाद मैंने 12th पास आउट किया, मतलब मैं 12th से मैं गई थी GIC पिथौरागढ़ में, KNU में मैंने एडमिशन लिया था। कॉलेज के जस्ट बगल वाले स्कूल पर मैंने एडमिशन लिया था, और 10th में भी मैं फर्स्ट डिवीज़न आई थी, और 12th पास आउट मैंने KNU GIC पिथौरागढ़ से किया, तो वहाँ भी मैं फर्स्ट डिवीज़न आई थी। देन मैंने किया UG। UG में मेरे सब्जेक्ट भी थे पॉलिटिकल साइंस, डबल इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। उस टाइम पे भी मैं UG में फाइनल ईयर का ऑल ओवर परसेंटेज, मतलब मेरे फर्स्ट डिवीज़न ही लगाना, मतलब अच्छे पास थे, मतलब UG में उतने भी अच्छे नहीं थे। देन मैंने किया PG मैंने किया था ज्योग्राफी से। वैसे ज्योग्राफी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा लगता था, बट मेरे फ्रेंड लोगों ने ज्योग्राफी ली, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो सही है, मैं भी लेती हूँ, क्योंकि मैं करना चाहती थी GIS या RS, बट हो नहीं पाया वो सम ऑफ रीजन किसी कारण। PG में भी मेरे अच्छे परसेंटेज थे, 75+% थी PG में भी। एंड फिर मैंने तुरंत ही डाल दिया था BEd का। वैसे BEd का मैंने नहीं डाला, मेरी दीदी ने, मेरी मम्मी ने डाला वो। मैंने BEd किया। BEd में मेरी गवर्नमेंट की सीट MBPG हल्द्वानी से निकल गई थी, हल्द्वानी पढ़ते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। BEd में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर और बचे, मतलब अभी मैं गई हूँ 3rd सेमेस्टर में, तो क्या बताऊँगा, पढ़ाई ऐसी ही चल रही है। मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी उससे पहले, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं ताइक्वांडो खेलती थी, और मैंने हॉकी भी खेला है। ताइक्वांडो में मैंने किंग बॉक्सिंग वगैरह खेला है, स्टेट तक गई, बट स्टेट में मेरे साथ कुछ ऐसी चीटिंग हो गई थी, फिर भी मैं प्रैक्टिस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब। बट एक बार प्रैक्टिस के टाइम पे मेरे बैक सेट लग गई थी, तो वो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था हमेशा, मतलब 2-3 साल तक ठीक नहीं हुआ, तो मैंने ताइक्वांडो छोड़ दिया था। एंड मैं दौड़ते वगैरह भी थी, एथलीट भी अच्छा लगता था मुझे, खो खो तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। गांव में, मतलब स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता था, तो मैं हमेशा लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी, मतलब मुझे डांस वगैरह बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग सरस्वती वंदना करते थे, मैं मेरी दोस्त लोग। तभी मैंने, फिर क्या हुआ, पिछली बार लॉकडाउन लग गया था कोविड के चक्कर में, तो गांव में थे हम लोग, तो ऐसे मैंने, अब मेरे, मुझे ना अच्छा लगता है, मैं फ्री टाइम पे मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ करके, तो मैं डांस वांस कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे लॉकडाउन में फ्री थे, अब एक दिन रहते हैं घर में, 2 दिन रहते हैं, अब कुछ रोज़ क्या करे, तो उस टाइम पर मैंने टिकटॉक ID खोली थी, तो मैंने पहले ही पिथौरागढ़ में खोली थी, मतलब फिर मैंने बंद कर दी थी, मतलब 10-15 दिन चलाए मैंने टिकटॉक, तो टिकटॉक में भी मेरे अच्छे खासे फॉलोवर हो गए थे। टिकटॉक में मेरे कितने फॉलोवर हो गए थे, 20K होने वाले थे, 21K होने वाले थे। टिकटॉक बैन हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, 10-15 दिन चलाया होगा मैंने मुश्किल से। और मैं बताना चाहूँगी पिथौरागढ़ कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रही। वैसे मुझे लग रहा है ना, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, पिथौरागढ़ कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी बनी, मतलब छात्र संघ उपाध्यक्षा बनी मैं, और उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे वोटों से जीती थी, मतलब जो मेरी अपोजिट थी, अपोजिट लड़की थी ना, अपोनेंट थी वो, उन्हें मिली थी 492 वोट, और मेरे थे 2500 के आसपास वोट थे मेरे, ये तारीफ करने वाली बात नहीं है, बट उस टाइम पे मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिला था। मेरे सपोर्ट में ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोग सारे थे, मतलब नवराज भैया लोग, कुंदन भैया लोग, और मतलब मैं स्पेशली 2 लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं सबका नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। हमारे गांव साइड के थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया था, मेरे फ्रेंड लोग थे,
सो थैंक यू कॉलेज में जिताने के लिए भी. मुझे स्पेशली ऐसा लगता है ना कि मुझे लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है करके, अब पता नहीं क्यों लगता है मुझे. सो फिर मैंने पिछले बार और लॉकडाउन हो MBPG में जब मैंने एडमिशन लिया, एक महीने हम लगातार कॉलेज गई, फिर उसके बाद और लॉकडाउन लग गया था. तो मैंने इंस्टा खोला, तो इंस्टा पे मैं रील बनाए, तो मेरी एक दो रील वहाँ भी वायरल हो गई थी मेरी. तो मैंने सोचा कि मतलब चलो बनाती रहूँ. तो मुझे लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला, मतलब पहाड़ी गानों में, मतलब मामी सॉन्ग में और गढ़वाली सॉन्ग में मेरी रील काफ़ी वायरल हुई. मुझे भी अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगने लगा. एंड इंस्टाग्राम खोलने से पहले मैं यूट्यूब पे काम करना शुरू किया था. टिकटॉक बंद होने के कुछ टाइम बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं यूट्यूब पे खोलूं. क्योंकि जब टिकटॉक बंद होने वाला था तो बहुत लोगों ने बोला था कि मुझे कि टिकटॉक की जो वीडियो वगैरह हैं ये सब चीज़ें यूट्यूब पे कंटिन्यू रखना करके. तो मैंने यूट्यूब खोला था. यूट्यूब पे मेरे कितने फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं आप लोगों को तो पता है, और इंस्टाग्राम पे मेरे 70,000 आजकल ही कंप्लीट हो रखे हैं गाइस, वो भी आप सभी लोगों के उससे. सो मैं बताना चाहूँगी अपने गांव के बारे में. मेरा गांव पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुनशहरी ब्लॉक के नाचनी गांव में पड़ता है. नाचनी गांव बोले मतलब नाचनी में पड़ते हैं. सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखती हूँ, फिर कभी बताऊँगी अपने बारे में. कुछ भी पूछना होगा आप लोगों को पूछना, कमेंट करना, और कैसा लगा बताना पक्का. और क्या बताया, मुझे इतना आइडिया तो है नहीं कि क्या बोलूँ क्या करके. तो मैंने अगर कुछ भी ऐसा बोल दिया होगा कि जो आप लोगों को बहुत गंदा लगे, तो उसके लिए I am really sorry. बैक साइड से. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर टू सब्सक्राइब गाइज. और हल्द्वानी में हो गया बहुत ज़्यादा ठंड, तो आप लोग जहाँ भी हो ना ठंडे से बचिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं करते हैं. गरम गरम कपड़े पहने, आग वाग सेकी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर डू सब्सक्राइब गाइज, एंड आपकी तरफ फैला दो मेरी वीडियो को. सो डी मैं प्रैंक कॉल करने वाली थी, ये DSLR से वीडियो मेरे फ़ोन में आई मेरी, सो मैं बहुत ज़्यादा वैसे ही परेशान हूँ. सो क्या बताऊँ गाइज, आज के लिए बस इतना है. मेरे बाल हो गए बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे. सो नहाया मैंने, नहा के भी कुछ फ़ायदा नहीं है गाइज, ठंडी से मैं और ज़्यादा मरी. So bye guys, love you.